देवी जी का प्रादुर्भाव व महिषासुर की सेना का वध। प्राचीन काल में देवी देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीत कर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब हार कर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहाँ गए जहाँ विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहाँ पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपना प्रभाव आदि का पूरा पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इत्यादि अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महादुरात्मा है, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेवी ने देवताओं के वचन सुने तो क्रोध से उनकी भौहें तन गईं। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुईं। चंद्रमा ने दोनों स्तन। इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश। वरुण के तेज से जंगा व उरुस्थल। पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण। सूर्य की तेज से चरणों की उंगलियां। वसुओं की तेज से हाथों की उंगलियां। कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार समस्त देवताओं के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता प्रसन्न हुए। महादेवी ने देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुति ने उन्हें धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र सेन इंद्र ने ऐरावत हाथी को से घंटा लिया और यमराज ने कालदंड के दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने भगवती के भी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार और उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी न पुराने होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुमंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजू बंद, चरणों के लिए नूपुर और कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किया। इसी प्रकार सभी उंगलियों के लिए जड़ित मुद्राएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और उनके रूप वाले अस्त्र, अभेद्य कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी भी ना कुमलाने वाली कमलों की माला दी। जल्दी ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह एवं और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरा से भरपूर पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी एवं सारे देवताओं के भी भूषण एवं आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तत्पश्चात भगवती ने अट्ठास करके ऊंचे स्वर में गर्जना की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखा, तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे ये क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ गिर कर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी।
उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल क्षोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से भी सभी दिशाओं को ढक कर देवी खड़ी हुई थी। देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध प्रारंभ हो गया। महिषासुर का सेनापति उस समय चिक्षुर नाम का एक दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इस प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगनी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उद्रिग महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60,00,000 रथियों से आवृत वाष्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेक सवारों के समूह के साथ घिरा हुआ रथियों को साथ लेकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रथों हाथियों एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा खड़ा था। तोमर शक्ति मूसल परशु पटिश खंग आदि अस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं दूसरों ने पाश फेंके। तब चंडिका देवी ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके उन्हें तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े थे वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खग बिंदीपाल परशु पट्टी आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। तब देवी जी ने त्रिशूल गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले तथा दूसरे कितने ही दैत्यों को घंटा के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मार गिरा दिया। मरे दैत्यों को पाश से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने ही दैत्यों की भुजाएं कट गईं, कितनों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गईं, कई दैत्यों के सिर कट गए, कुछ मध्य से विदीर्ण हो गए, कुछ दैत्यों की जंगाएं कट गईं तथा पृथ्वी पर गिर गए, और कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा एक आंख और एक पंख वाला करके दो टुकड़े कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रथी हाथी घोड़े एवं असुरों की लाशों के द्वारा वहाँ महायुद्ध हो रहा था। वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ पर आना जाना कठिन हो गया। वहाँ सेना एवं असुरों के रुधिर बहने से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगीं। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना को इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकाता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चूस रहा था इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश में पुष्पों की वर्षा करने लगे।